लकड़ी काटने वाली चैनसो मशीन आ चुका है हमारे पास रिपेयरिंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसान क्राफ्ट का चैनसो मशीन है ये। देखिए, ये चैनसो मशीन का मॉडल नंबर है KKC SP6522। यह चैनसो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। फ्यूल टैंक का कैप खोलेंगे और फ्यूल चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्यूल इसमें बहुत कम है। पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डाल देते हैं, इसके बाद मशीन स्टार्ट करके देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह 2-स्ट्रोक इंजन है। 2-स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल के साथ में टूटी ऑयल डालना पड़ता है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml और 1/2 लीटर पेट्रोल में 20 ml। मैंने पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स कर दिया है। टूटी ऑयल डालना बहुत ही जरूरी है। पेट्रोल में आप किसी भी तरह का ऑयल ना डालें। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है सर्वो का टूटी ऑयल। 2-स्ट्रोक इंजन ऑयल, मैं इसी ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए, ऑन ऑफ स्विच है। ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे स्विच को तो स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऑफ हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लिखा हुआ है। तो चलिए स्विच को ऑन कर लेते हैं। ऊपर की तरफ स्विच ऑन हो गया है। अब मैं चैनसो मशीन को स्टार्ट करके देखूंगा क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, यहाँ पर चौक लीवर लगा हुआ होता है, बट इसमें चौक लीवर नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर चौक लीवर लगा हुआ रहता है, बट इस मशीन में चौक लीवर नहीं है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से कैप को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। एयर फिल्टर के ऊपर में एक नट लगा हुआ है, इस नट को आप इस तरह से खोल लीजिए। ये देखिए, एयर फिल्टर है। ये देखिए, एयर फिल्टर में बहुत ही ज्यादा डस्ट लगा हुआ है, तो इसे हम पेट्रोल से वॉश करने के बाद लगाएंगे। प्लग कैप को इस तरह से खोलकर हटाएंगे, इसके बाद प्लग रेंच लेंगे। प्लग रेंच लेने के बाद प्लग को खोलेंगे और करंट चेक करेंगे। स्पार्क प्लग को प्लग रेंच की मदद से बहुत ही आसानी से आप खोल सकते हैं। इस तरह से स्पार्क प्लग को खोल लीजिए आप। ये देखिए, ये है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में बहुत ही ज्यादा कार्बन लगा हुआ है, तो जब हम फिट करेंगे स्पार्क प्लग को, कार्बन को साफ कर लेंगे, इसके बाद फिट करेंगे। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए सिलेंडर कवर को खोलना होगा। खोलकर करंट को चेक करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 5 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ होता है, 4 mm का। 4 mm का एलेंकी लेकर आप इस तरह से सभी बोल्ट को खोल लें। जब आप सभी बोल्ट को खोल लेंगे तो इस तरह से सिलेंडर कवर आपका बाहर आ जाएगा। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए हमें स्पार्क प्लग को प्लग कैप में इस तरह से लगाना होगा। स्विच ऑन करके और रिकॉइल स्टार्टर को खींचकर आप करंट चेक कीजिए इस तरह से। करंट चेक करने के लिए स्विच ऑन होना चाहिए। प्लग को प्लग कैप में आप अच्छे से लगा लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्पार्क प्लग बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा होता है, स्पार्क प्लग में करंट आता है, मशीन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक्सेलेटर लेने पर मशीन अचानक से बंद हो जाता है। तो ऐसे में आप एक नया स्पार्क प्लग को लगा कर देखिए। 12 नंबर का गोटी और हैंडल लेकर मैं इस नट को खोल दिया हूँ। ब्रेक वैन चैन और चैन बार, ये तीनों को मैं निकालने वाला हूँ। नट खोलने के बाद आप ब्रेक वैन को इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए लॉक रहता है, लॉक को इस तरह से आप ओपन कर लीजिए। ये देखिए, ब्रेक वैन को आप इस तरह से ओपन करने के बाद आप इस तरह से खींचकर बाहर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। चलिए चैन और चैन बार, ये दोनों को भी बाहर निकाल लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद मशीन को रेस करके हम चेक करेंगे, इसलिए मैंने चैन और चैन बार दोनों खोल दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पार्क प्लग को मैंने फिट कर दिया है। प्लग रेंच से इसे अच्छी तरह से टाइट कर दें। स्पार्क प्लग का जो कैप है उसे आप अच्छे से टाइट करके लगाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चौक लीवर इस मशीन में नहीं है, तो हाथ से हम चौक को लगा दिए हैं। ये देखिए, अभी मशीन चौक में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चौक में मशीन को स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, चौक में भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए चौक से हटा देते हैं। अब मशीन चौक में नहीं है, तो फिर से स्पार्क प्लग को हम खोलेंगे। प्लग रेंच की मदद से हम स्पार्क प्लग को खोलेंगे। स्पार्क प्लग को खोलने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं सिलेंडर में पेट्रोल डाल रहा हूँ। तो इस तरह से पेट्रोल डालकर आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्पार्क प्लग को टाइट करने के बाद प्लग कैप को आप अच्छे से लगा दीजिए।
सिलेंडर में पेट्रोल डालने के बाद मशीन स्टार्ट होकर बंद हो गया है। ये देखिए कार्बोरेटर में ऊपर की तरफ एक स्क्रू है, इसे हम स्क्रू ड्राइवर से दो बार टाइट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कार्बोरेटर में दो स्क्रू लगा हुआ है। ये देखिए ये एल स्क्रू है, इसके बगल में आपको एक और स्क्रू दिख रहा है, ये देखिए ये एच स्क्रू है। यह दोनों स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से मिलाकर ट्विनिंग सेट करेंगे। ट्विनिंग सेट करने के लिए आपको स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए एच स्क्रू को मैं एक बार टाइट कर रहा हूँ। एच स्क्रू को हमने एक राउंड टाइट कर दिया है। अब चलिए मशीन स्टार्ट करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चेनसो मशीन स्टार्ट होने का मोमेंट बना रहा है बट स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोनों स्क्रू को मिलाकर हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल स्क्रू है, एल स्क्रू को मैं एक बार ढीला कर रहा हूँ। एल स्क्रू को मैं एक राउंड ढीला कर रहा हूँ। अब मशीन स्टार्ट करके चेक करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चेनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो फिर से हम ट्यूनिंग सेट करेंगे। तो चलिए फिर से हम सेट करेंगे ट्विनिंग को। तो यहाँ पर देखिए एल स्क्रू को मैं तीन बार टाइट करूँगा। एल स्क्रू को मैं तीन राउंड टाइट कर रहा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। रिकॉइल स्टार्टर खींचकर मशीन को स्टार्ट करेंगे। चेनसो मशीन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। एच स्क्रू को हम दो बार ढीला करेंगे। एच स्क्रू को हमने दो राउंड ढीला कर दिया है। एल स्क्रू को हम एक बार टाइट करेंगे। एल स्क्रू को हमने एक राउंड टाइट कर दिया है। ये देखिए स्क्रू जो है वो फुल टाइट हो गया है, अब स्क्रू टाइट नहीं हो रहा है। एल स्क्रू को हमने फुल टाइट कर दिया है। अब चलिए एच स्क्रू को भी हम टाइट कर देते हैं। यहाँ पर एच स्क्रू को मैं दो राउंड टाइट करूँगा तो ये फुल टाइट हो जाएगा। ये देखिए एच स्क्रू फुल टाइट हो गया है। एच और एल स्क्रू को फुल टाइट करने के बाद दो दो राउंड आपको ढीला करना है। एच स्क्रू को हम दो बार ढीला कर रहे हैं, एल स्क्रू को भी दो बार यहाँ पर ढीला करना है। चलिए अब हम मशीन को फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए अब हम मशीन को चौक में स्टार्ट करके देखेंगे। जैसा कि आपने देखा चौक लीवर इस मशीन में नहीं है, तो हाथ से हम चौक को लगाएंगे। अभी हमारा मशीन चौक में है। चलिए चौक में मशीन को स्टार्ट करके देखते हैं। जैसा कि आपने देखा मशीन तो स्टार्ट हो गया है बट एक्सेलेटर को प्रेस करते ही मशीन अचानक से बंद हो जाता है। एच स्क्रू को हम यहाँ पर एक राउंड टाइट करेंगे। एच स्क्रू को हमने एक बार टाइट कर दिया है। चलिए मशीन स्टार्ट करके देखते हैं।
फाइनली दोस्तों चैनसो मशीन का ट्विनिंग सेट हो गया है। तो जो कुछ भी खोला था वो सब फिट करके मशीन स्टार्ट करके फिर से एक बार हम चेक करेंगे।